घर आए मेहमान। राहुल अपनी पत्नी सीमा और अपनी माँ के साथ रहता था। गर्मियों की छुट्टी में राहुल की बुआ फूफा अपने लड़के सोनू के साथ उनके घर रहने आए। घर आते ही फूफा जी राहुल से बोले कि यहाँ तो बहुत गर्मी है, घर में कोई एसी नहीं है क्या? राहुल की माँ ने बोला, भाई साहब अभी कुछ दिन पहले ही राहुल ने अपने कमरे में एसी लगवाया है। यह सुनते ही फूफा जी अपने बेटे से बोले कि सारा सामान राहुल के कमरे में ले चलो। राहुल और उसकी पत्नी सीमा चुप रहे, क्योंकि उसने सोचा कि कुछ दिनों की तो ही बात है। इस तरह बुआ फूफा जी को राहुल के घर रहते एक महीना हो गया। राहुल ने अपनी माँ से पूछा कि बुआ जी कब जाने वाली हैं, हम कब तक ऐसे ही हाल में सोकर अपना गुजारा करेंगे? राहुल की माँ बोली, बेटा रिश्तेदारी का मामला है, हम कुछ कह भी तो नहीं सकते। राहुल की पत्नी सीमा बोली, वह सब तो ठीक है, लेकिन उनका छोटा लड़का सोनू सारा दिन घर में उद्यम करता रहता है। कल तो उसने हमारा नया सोफा बुरी तरह फाड़ डाला। राहुल इस बात पर बहुत गुस्सा हुआ कि नया सोफा फाड़ दिया। वह अपनी पत्नी से बोला, तुम सोनू को ऐसा करने से रोकती क्यों नहीं? सीमा बोली, जब से बुआ फूफा जी आए हैं कुछ न कुछ खाने की डिमांड करते ही रहते हैं, जिससे मेरा और माँ जी का सारा दिन तो रसोई में ही बीत जाता है। राहुल ने कहा कि मैं अभी जाकर फूफा जी से पूछता हूँ कि वह आखिर कब जाएंगे। राहुल ने बातों बातों में फूफा जी से कहा कि एक महीना हो गया है, आपके जॉब की छुट्टियाँ तो खत्म हो गई होंगी ना? फूफा जी बोले, राहुल मैंने जॉब तो कब की छोड़ दी है, अब तो मैं बिजनेस करता हूँ और अब मैं इस शहर में भी कुछ बिजनेस खोलने की सोच रहा हूँ। पहले इस शहर को अच्छे से समझ लूँ, जिसमें 2-3 महीने तो लग ही जाएंगे। यह सुनकर राहुल समझ गया कि फूफा जी अभी जाने वाले नहीं हैं। उसने यह बात अपनी पत्नी और माँ को बताई। सीमा बोली, जब घी सीधी उंगली से ना निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, इनके साथ भी कुछ ऐसा ही करना होगा। आप यह काम अब मुझ पर छोड़ दीजिए। उसी रात बुआ और फूफा जी छत पर थे, तभी उनका लड़का सोनू चिल्लाता हुआ उनके पास गया और बोला कि मैंने अभी एक चुड़ैल को देखा है। तभी एक चुड़ैल वहां आ गई और बुआ और फूफा जी को बोली कि तुम में से कौन पहले मेरा भोजन बनाना चाहेगा। चुड़ैल को देखकर वह बहुत डर गए और उस घर से भाग गए। उनके जाने के बाद सीमा ने अपना चुड़ैल का मुखौटा उतारा। बुआ के परिवार के जाने के बाद सबने चैन की सांस ली। सीमा की सास ने सीमा से कहा कि तू तो बड़ी अच्छी चुड़ैल बनती है, यह कहकर सब हंसने लगे। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी को यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।